फ्रेंड्स, अगर आपको पूछा जाए चाय पीने के फायदे होते हैं या नुकसान, शायद आपको ये नहीं पता, बट एक्चुअल में चाय पीने के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी। किसी भी व्यक्ति के चाय बनाने के तरीके और पीने के तरीके सही होना चाहिए। अगर ये दोनों ही गलत हो जाए तो नुकसान ही होता है। इसलिए दोस्तों, ये जानना ज़रूरी है जिस चाय का हमारे घर में हम कहीं बार पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअल में वो कितने फ़ायदेमंद है और कितना उससे नुकसान होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप मेरे चैनल हेल्थ एक्स में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलिएगा। हमारे देश में जिस तरह के चाय के सेवन किया जाता है वो है ब्लैक टी यानी काली चाय, और कुछ लोग इसमें दूध मिला के भी इस्तेमाल करते हैं। चाय बनाने में चीनी और दूध का यूज़ होता है, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है चाय पत्ती। चाय पत्ती में पॉलीफिनल और फ्लैबिनॉइड नाम के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो सही मात्रा और सही समय पर यूज़ करने से ये शरीर में एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके अलावा भी चाय कई तरीके की कैंसर सेल से भी प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ चाय में एल-थियानाइन नाम का एमिनो एसिड होता है, जो ब्रेन को रिलैक्स करके फोकस करने की क्षमता बढ़ाता है। खासकर जिन लोगों को सर्दी जुकाम और खांसी जैसे बीमारी होते हैं, उनको चाय में तुलसी अदरक मिला के पिलाने से काफ़ी हद तक राहत मिलता है। पर कुछ लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है जो चाय पीने का सही टाइम क्या है, कितने मात्रा में चाय पीना चाहिए, एक दिन में कितनी बार पीना चाहिए, और ये सब के जानकारी ना होने के कारण चाय के गलत यूज़ करने से ये धीरे धीरे शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चाय में पाया जाने वाला टैनिन और कैफीन, चाय में मौजूद टैनिन आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकता है, और इसलिए चाय का ज़्यादा मात्रा में पीने से बॉडी में आयरन की कमी होने लगता है। और बॉडी में आयरन की कमी होना इतनी कॉमन है कि हमारे देश में हर साल 1 करोड़ लोग आयरन डिफिशियंसी के शिकार हो जाते हैं। चाय में जो कैफीन नाम का पदार्थ होता है, उसका हमारे शरीर पर कई तरीके की बुरा असर पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, कैफीन एक स्लो एडिक्टिव ड्रग की तरह काम करता है, जिसके असर सीधा दिमाग पर होता है। और इससे वजह से चाय वक्त पे ना मिलने की वजह से सर दर्द, बेचैनी और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। और यही नहीं, चाय ज़्यादा पीने से इस पे मौजूद कैफीन की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, पेट में जलन, दिल की धड़कन का तेज़ होना, रातों को जल्दी नींद ना आने का समस्या, और यहाँ तक प्रेगनेंसी के दौरान भी कई तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बट ये सब तभी होते हैं जब इंसान को चाय बनाने का सही टाइम, सही मात्रा और कितना पीना चाहिए ये पता ना हो। इसलिए ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चाय बनाने का सही तरीका। चाय बनाने में सबसे बड़ी गलती होती है चाय पत्ती का बार बार इस्तेमाल करना। चाय पत्ते को जितनी ज़्यादा उबाला जाता है, चाय पीने से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए चाय को लो टेम्परेचर में उबालना चाहिए। और एक बात का खास ध्यान रखें, बाहर की चाय जितना कम पिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बाहर के चाय के दुकान में चाय पत्ती का बार बार यूज़ किया जाता है, जिससे चाय में जहरीला पदार्थ की मात्रा बढ़ जाता है, जिससे शरीर को और भी नुकसान पहुँचता है। और दूसरी बात ये है, चाय में चीनी मिलाने से भी नुकसान कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि चीनी ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है और शरीर में चर्बी की मात्रा को बढ़ाता है, और साथ में चेहरे में एक्ने, पिंपल्स भी पैदा करने लगता है। चीनी भी कैफीन की तरह एडिक्टिव होने के कारण ये चाय की आदत को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो चीनी का इस्तेमाल जितना कम हो सके वही बेहतर होगा, इस बात का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, इसमें एक और बात आता है, काली चाय और दूध वाली चाय में कौन सी फ़ायदेमंद है। काली चाय में जब दूध मिलाया जाता है तो दूध एक्चुअल चाय के फ़ायदे को ख़त्म कर देता है। जिनके एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो, उन्हें दूध चाय अवॉइड करना चाहिए, तो काली चाय ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अब बात करते हैं चाय कब पीना चाहिए। उससे पहले ये जान लीजिए कब नहीं पीना चाहिए। फ्रेंड्स, चाय के यूज़ दिन के शुरुआत और दिन के ख़त्म में नहीं करना चाहिए।
सुबह खाली पेट में चाय पीने से ये एसिडिटी पाचन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रात को चाय पीने से ये हमारे ब्रेन में स्लीपिंग हार्मोन्स को रिलीज होने से रोकता है, जिससे कि समय के साथ साथ ये हमारे शरीर में जल्दी नींद ना आने का समस्या पैदा करता है। फ्रेंड्स, रात होती ही है शरीर को आराम पहुंचाने के लिए, तो अगर आप सिर्फ अपने काम के लिए ज़बरदस्ती नींद को रोक के रखोगे तो ये फ्यूचर में बहुत बड़ी कीमत चुकाने पड़ सकता है। तो इसलिए रात को जल्दी सो जाए और सुबह उठ के अपना काम ख़त्म करें। दोस्तों, अगर आपको चाय पीना है तो इसका सही टाइम है ब्रेकफास्ट के 1 घंटा बाद, उस टाइम आप चाय पी सकते हैं। इससे चाय पीने पे नुकसान कम हो जाता है। अब बात करते हैं कितना कप चाय पीना चाहिए। फ्रेंड्स, चाय जो लोग कभी कभी पीते हैं उससे उस इंसानों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और ना ही एडिक्टेड होते हैं। जब कोई व्यक्ति चाय को अपनी डेली रूटीन में सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे में चाय पीने के आदत भी बढ़ता है और तब वो इंसान जितना ज़्यादा चाय का सेवन करता है उतनी चाय की बुरी आदतों में बंध जाते हैं। लास्ट में यही कहूँगी, चाय को आदत नहीं बनाना चाहिए, बस कभी कभी पिया कीजिए और जिनको आदत हो गया है वो चाय पीना कम कर दे। आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और मुस्कुराते रहिए।